सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपको क्रिकेट की लेटेस्ट खबरें देखनी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए इस समय भारत में है और बीसीसीआई द्वारा आयोजित चतुष्कोणीय वनडे टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट में इंडिया ए और इंडिया बी टीमें भी भाग ले रही है। इंडिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच खेले गए टूर्नामेंट के नौवे मैच में अफ्रीका ए के कप्तान खयाजोंडो ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय किया। पहली बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए की शुरुआत काफी खराब हुई और टीम ने मात्र 52 रन के कोर पर अपने 5 विकेट खो दिए। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और दीपक चाहर ने 7वें विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी कर कुछ संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। दीपक चाहर ने सर्वाधिक 38 रन जबकि संजू सैमसन ने 36 रन की पारी खेली। इंडिया ए 37.3 ओवर में मात्र 157 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। तेज गेंदबाज डेन पैटरसन सबसे सफल रहे, उन्होंने अपने 9.3 ओवर में मात्र 19 रन देकर 5 विकेट लिए। पैटरसन के रॉबर्ट फ्राइलिंक से सांडा मगला को 2-2 जबकि मालूसी सिलबोटो को एक सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के जियान क्लोटे और पीटर मलान ने पहले विकेट के लिए 37 रन जोड़े। क्लोटे ने 27 रन बनाए। एयरवी ने भी 20 रनों की अहम पारी खेली। मलान एक छोर पर खड़े रहे तथा 47 रन बनाकर आउट हुए। तब तक उनकी टीम लक्ष्य के काफी करीब आ चुकी थी। फरहान बेहादीन 18 और रॉबर्ट फ्रीलिंग 15 रन बनाकर अंत तक आउट नहीं हुए तथा टीम को उन्होंने चौके से जीत दिलाई। भारत ए के लिए खलील अहमद ने 3 तथा करुणाल पांड्या ने 2 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका ए की यह टूर्नामेंट में पहली जीत है। फिलहाल यह टीम अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया इस सबसे नीचे है। दोस्तों, क्रिकेट की इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।